क्या कह रहा है कि द कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ई दे आर बिटवीन देयर सेंटर. अच्छा देन प्रूव दैट द पॉइंट ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर. चलिए देखते हैं, हम लोग दो सर्कल ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे दो सर्कल ले लिए. अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि इनके कॉमन कोड है, तो एक कॉमन कोड ऐसे खींच देते हैं, कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन टेंजेंट है इनके ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं. चलिए ठीक है, देख लीजिए ये कॉमन टेंजेंट हो गए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं ए बी और इसे ले लेते हैं सी डी, इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को ई पर, और सर्कल का सेंटर यहाँ पे एक का ओ दिया है और एक का यहाँ पे ओ डैश दिया हुआ है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए गिवन में दिया हुआ है कि द कॉमन टेंजेंट टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू टू सर्कल टू सर्कल्स विथ सेंटर्स सेंटर्स ओ एंड ओ डैश ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. ठीक है, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है. टू प्रूव ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर. एक काम करते हैं, इसके इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं किसको किसको, यहाँ पर ओ ए को, ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ इस ओ ई को ज्वाइन कर देते हैं, और फिर हम लोग इस ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से मैं डॉटेड कर देता हूँ, हमारी कंस्ट्रक्शन है ये इसलिए. ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ ई एंड ओ सी. अब इसके बाद देखिए, चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं. या तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करके ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दो. ठीक है, या फिर दूसरा काम पता है क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये दिखा सकते हैं जो थ्योरम पढ़े हैं कि दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को इस तरह से ड्रॉ किए गए एक्सटीरियर पॉइंट से, तो यहाँ पर जो ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं कब, जब इसके इससे इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर को मिला जाता है, तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड होते हैं, तो उससे बना दो, या फिर दोनों को कॉन्ग्रेट करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो कॉन्ग्रेट करके लिख सकते हैं, हर एक बात तो हमने इस तरह लिखा है, लिखते हैं इस तरह कॉन्ग्रेट करके. ए ओ ई एंड ट्रेंगल सी ओ ई में, इन दोनों ट्रेंगल में देखिए क्या हो जाएगा. यहाँ पर ओ ए इक्वल टू में ओ सी रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल. अच्छा दूसरा जो हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा ना आपके सी के इक्वल हो जाएगा. क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग टेंजेंट खींचे हुए एक्सटीरियर पॉइंट से, टेंजेंट फ्रॉम एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, अच्छा और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ओई दोनों में है, ओई एंड ओई कॉमन दिख रहा, तो यहां से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो हम यहां लिख सकते हैं नीचे कि ये वाला ट्रायंगल ए ओ ई जो होगा ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ ई के, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से, कॉन्ग्रुएंस से. जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल ओ ई ए इक्वल टू में एंगल ओ ई सी, सी पी सी टी से हो जाएगा. चलिए अगर हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग इधर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें ई ओ डैश को, तो यहाँ पे देखो हम लोग सेम वही काम करेंगे कि ये वाला भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली सिमिलरली एंगल एंगल ओ डैश ई डी इक्वल टू में एंगल ओ डैश ई बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा अगर हम लोग देखें तो एंगल
एईसी इक्वल होगा एंगल डीईबी के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हो जाएगा ना जी, ये दोनों एंगल, ये पूरा पूरा अगर हम लोग लिख दें मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन बोथ साइड, बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल एईसी और इधर 1/2 ऑफ एंगल डीईबी, तो एईसी का हाफ जो होगा, एईसी का हाफ इसका, ये या ये दोनों में से कोई सकता है एंगल ओईए या फिर एंगल दूसरा हो जाएगा एंगल ओईसी, ठीक है। अच्छा इसका 1/2 जो हो जाएगा, ये या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है एंगल ओई ओ डैश ईडी और इक्वल टू एंगल ओ डैश ईबी। तो देखिए ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। अच्छा तो अब इस कंक्लूजन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल ओ ई सी इक्वल टू में एंगल ओ डैश ई डी। तो ये एंगल इस एंगल के तभी इक्वल हो सकता है जब ये आपका स्ट्रेट लाइन हो, और ये भी ये तो स्ट्रेट लाइन है ही, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मतलब, यहाँ पे वाई द कन्वर्ज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ई ओ डैश इज अ लाइन, हेंस हेंस ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर, ये आपके कोलिनियर हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखिए।